जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारा टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, आज हम लोग इसका 11वां पार्ट डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सीरीज एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप कहीं से भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रतिदिन इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आप लोगों का जीके 360 डिग्री रिवाइज होगा दोस्तों। और इसके अंदर जो जानकारी है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, जो एग्जाम के अंदर छपेंगी। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और पहले क्वेश्चन में लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों याद रखना, भारत में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी दोस्तों। और एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए, इस क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। इसलिए दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से तीन नियुक्ति ऐसी है जो भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, लेकिन एक नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, ये भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। और भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट बात की, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचन जो होता है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, और निर्वाचन की तिथि को राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि को सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। तो ये जानकारी जो थी दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट, अति महत्वपूर्ण है, इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफी एक से बढ़कर एक जानकारी है इस वीडियो में, जो आप लोगों के जीके को काफी यूजफुल बनाएंगी और एग्जाम के अंदर आपकी काफी मदद करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीन नंबर। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम आशा कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम आशा कर सकते हैं, यानी उसकी मांग बढ़ने की। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, चार नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। अति महत्वपूर्ण लगाइएगा दोस्तों, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे लिए वेरी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे कुमार गुप्त थे। और 2016 में दोस्तों, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में मान्यता प्राप्त की थी, नालंदा विश्वविद्यालय। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जानकारी दिमाग में छाप के रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। यानी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी वाला, यानी कि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अति महत्वपूर्ण बात समझिएगा साथियों, जम्मू कश्मीर विशेष तथ्य वेरी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के अंदर छपेंगे। यानी कि बात करें तो जम्मू कश्मीर के संविधान को 1957 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था, ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करूं, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था,
ये फैक्ट भी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, यानी देश आजाद हुआ था उसके बाद पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, यहाँ पर यह बताना, तो सही जवाब हो जाएगा 1952, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव हुए थे, तो ये अति महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, वेरी मोस्ट आई एम भी चाहिएगा दोस्तों। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी जो आपको याद रखना है, प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। एग्जाम के अंदर आ सकता है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों पहले अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य जो था, भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। और याद रखिएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसमें अस्थाई अध्यक्ष भी चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी है, बार बार रिवाइज करना है दोस्तों, एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ जरूर छपेगा। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वेरी मोस्ट टाइम भी छापिए, राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों सबसे पहला पूछ ले या सबसे पुराना पूछ ले, एक ही बात है, भारत का सबसे पहला या पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से, यानी कि पूछा जाए जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई, 1936 आपको बताना है, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर, वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया, यानी निर्वाचन आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है ये हमें बताना है। सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। अति मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है दोस्तों निर्वाचन आयोग, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन छपे हैं निर्वाचन आयोग से, याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में ये जो जानकारी है वेरी मोस्ट आईएमपी है। निर्वाचन आयोग की स्थापना याद रखिए 25 जनवरी 1950 को हुई थी और निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त वो राजीव कुमार जी हैं, और पहले जो चुनाव आयुक्त थे निर्वाचन आयोग के, पहले चुनाव आयुक्त पूछे सुकुमार सेन बताना है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अति महत्वपूर्ण ये जानकारी तो छाप ही लेना है। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों हड़प्पा का नाम तो आप सबने सुना होगा, किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, लोहा, यानी दोस्तों लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक नहीं हुई है, ये जानकारी आपको छाप के रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1767 से 1769 में, कौन विजयी हुआ ये हमें बताना है, अति मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा हैदर अली इसमें विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण बात हो जाती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट और कौन विजयी हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तीनों कब हुए थे, अति महत्वपूर्ण ये जानकारी है, डेट अति महत्वपूर्ण, एक डेट एग्जाम के अंदर जरूर आएगी। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 से 1769 तक, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1780 से 1784, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ साथियों 1789 से 1792। तो ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट दिमाग में छाप लेना है, और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था, हैदर अली। तो बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर, 12 नंबर में बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल, अति महत्वपूर्ण है छाप लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको छपवा दूंगा दोस्तों। तो याद रखिएगा बुल फाइटिंग जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये स्पेन का है, पहला वाला सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी है कि बाकी ऑप्शन यानी जो 3 देश आपको दिखाई दे रहे हैं इनके राष्ट्रीय खेल समझिएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल समझिएगा आइस हॉकी, सर्दी में होता है दोस्तों,
और लेक्रोस जो होता है दोस्तों ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है स्कॉटलैंड का। दूसरा कनाडा का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आइस हॉकी, और तीसरा जापान का कुश्ती राष्ट्रीय खेल है। तो तीनों देश भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल अति महत्वपूर्ण होता है। अपने देश इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों मैं आपको बता दूं हॉकी है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है दोस्तों, जो भारत की संसद का निर्माण हुआ किन चीजों से हुआ, कौन कौन इसमें शामिल होता है, अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल व लोकसभा से मिलकर क्या बनी है दोस्तों, संसद बनी है। जानकारी महत्वपूर्ण है, छापना है दिमाग के अंदर। शेरशाह के बचपन का नाम आपको बताना है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि फरीद खान। दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम क्या है, फरीद खान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, अमीर खुसरो का नाम क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों, क्यों लिया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों ए वाला सही जवाब होगा, सरोद के आविष्कारक से। दोस्तों जो सरोद है उसका आविष्कार किसने किया पूछा जाए, बताना अमीर खुसरो, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, छाप लेना है दिमाग में, एग्जाम के अंदर बहुत बार छपा है साथियों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो याद रखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है मौलाना आजाद जी है, मौलाना आजाद। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा, महात्मा गांधी की पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की, जयप्रकाश नारायण की, एग्जाम में छपेगा साथियों, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रतिदिन पूरा वीडियो देखा करें और ध्यान पूर्वक देखा करें, मात्र ये 15-20 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी की एक फेमस बुक आपको याद रखना है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। आगे दूसरा याद रखना जवाहरलाल नेहरू की फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। तीसरा याद रखना जयप्रकाश नारायण द ड्रीम ऑफ ए रिवॉल्यूशन, इस बुक का नाम भी याद रखना जयप्रकाश नारायण, अति महत्वपूर्ण है, छपेगा एग्जाम के अंदर। बढ़ जाते अगला क्वेश्चन 17 नंबर। भारतीय करेंसी नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं, जो इंडियन करेंसी नोट है दोस्तों कहां छापे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं सही जवाब हो जाएगा सी वाला, यानी नासिक में दोस्तों भारतीय करेंसी नोट की छपाई होती है, तो अति महत्वपूर्ण ये जानकारी भी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वेरी मोस्ट आईएमपी, छापिएगा और इसके ऑप्शन भी अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आपके दिमाग में छपेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, तो याद रखिएगा पहले ऑप्शन में अगर बात करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे दोस्तों भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो एग्जाम में पूछे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो वर्गीज कुरियन आपको बताना है, अति महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था रॉलेट एक्ट के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, पूछा जाए एग्जाम के अंदर 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, याद रखना यहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, तो 19वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर अति महत्वपूर्ण और आज का लास्ट क्वेश्चन। मार्को पोलो किस लिए प्रसिद्ध था, तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो मार्को पोलो जो प्रसिद्ध था दोस्तों भारत चीन और एशिया की यात्रा इसने की थी, अति महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मार्को पोलो प्रसिद्ध था, यानी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी समझिए, मार्को पोलो ने 1257 से लेकर 2324 ईस्वी के बीच भारत चीन और एशिया की यात्रा की थी, इसलिए प्रसिद्ध था, तो वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर इनकी डिटेल छपेंगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।